हेलो गुड मॉर्निंग, देख रहे हैं हम अपना जोड़ी तुम्बा उठा के, मैं और निशा। इधर देख भाई। हेलो, तो हम निकल गए हैं आज, फिर देखते हैं आज किसके घर दावा बोलते हैं और किस कलाकार से आज के वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। और आज मेरे साथ है अनिशा। और अभी हम कहाँ हैं, कहाँ हैं भाई? हम हैं सरका घाट में। तो चलिए आज करते हैं कुछ धमाल। ओके, तो अनिशा जी जा रही है मेरे साथ। तो कौन कौन से कलाकार मिलने जा रहे हैं आज? बहुत ही अच्छे कलाकार मिलने वाले हैं जी। तो अब ये जा रहे हैं, तो देख लीजिए है सरका घाट की गलियाँ। गलियाँ तो नहीं, सड़क है। सड़क है। हाँ। ओके ओके, ये देख लो, धुआं पड़ गया यहाँ। अब आज जो हमारा पहला, जो अभी हम ये देख रहे हैं अपना, ये मूली सलगम टमाटर, ये हम खरीदने नहीं आए। आज हम यहाँ मिलने आए किसी से एकदम से स्पेशल। देख लीजिए जितेंद्र भाई। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, कैसे? मैसेज नहीं मिला था आपको शायद? नहीं, मेरे को नहीं मिला, मैं देखा नहीं अभी मैसेज को भी। चलो ठीक है। और सुनाओ सर। बस आगे पहुँच गए जितेंद्र भाई के घर, और इनको पता ही नहीं था। मैंने अच्छा हुआ मैंने मैसेज तो भेजा था, लेकिन इनको नहीं मिला। अब देखते हैं क्या होने वाला। नीचे दीक्षित का है, उसको बताना नहीं, बस चुपचाप जा रहे हैं। ठीक है, वो घर में कर क्या रहा होगा। ठीक है जी, नो कट नो ड्रामा। अच्छा, बिल्कुल, ये हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, नेचुरल नेचुरल चीज दिखानी है। वो मजा जा रहा है ना। हम जा रहे हैं दीक्षित के घर। दीक्षित, ए दीक्षित, देख लीजिए बहुत ही सुंदर घर, सरका घाट। आंटी जी लगे कुछ करने। नमस्ते, कहाँ है? और दीक्षित जी, नया ताजा कुछ? आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज कुछ करके नहीं दिखाओगे कुछ डांस? एकदम से हम आपके घर आ गए। देखो कल भी आए थे हम, लेकिन अभी आपको पता था क्या बारे? हाँ जी पता था। हाँ जी है? इसको पता था, मतलब बास आ गई थी इसको। इसको बास आ गई थी, बास आ गई। ये दीक्षित के दादी है। और जी कैसे आप? ठीक है जी। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। और आप तो नीचे गाय के पास गए? हाँ, गाय के पास गए। ये रोज की ड्यूटी? रोज की है जी। अच्छा, कितना दूध? दूध वाले तो कोई भी नहीं है, दूध वाले तो बेच दी है, ये बच्चे बुच्चे हैं उनके। गोबर तो होता है ना, खाते होती है? आजकल मिलती कहाँ है? ये है दीक्षित आर्य जी। शर्मा के नाम बड़ी भारी समझ आए। कैसा लगा एकदम से आए हम जब? काफी अच्छा लगा, मैं एकदम से सरप्राइज हो गया। पहले आपने मेकअप नहीं किया था, मेकअप करके देख लो जी, हैंडसम बन गए। और ठीक है? हां जी बढ़िया बढ़िया। तो स्कूल कब से? स्कूल तो कल से है। ओके हां जी। और हमारा ठीक है? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। संतुष्ट है इसके डांस से? बिल्कुल, इसके डांस से संतुष्ट है। आपके आने से तो बड़ी, मतलब बहुत ही खुशी होती है। सच्ची? और इसमें मेहनत रहती है। और मेरे को भी यहाँ आके ना आपसे मिल जाती है, पुस्तक मिल जाता है। हाँ जी। तो आप तो रिटायर हो गए, और अभी भी आप मेरे से ज़्यादा दौड़ेंगे, मेरे को तो ये लगता है। मास्क खड़ी दो करा नहीं जरूरत, मास्क करी खड़े। ठीक है, मौज आ लगी, मौज आ लगी। ये हमारी सरका घाट की शेरनी, ये देखो आज माइक लिया। बोल कुछ माइक में, बोलो हेलो हेलो कुछ, बोल हेलो 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 हेलो। ये माइक मेरे को दे रही है। देखो अब जब एकदम से हम किसी के घर जाते हैं तो क्या होता है, होता है ना। तो देखो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, और अनिशा जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और दादी है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप कुछ? मैं जी, हाँ ये बोल रहे थे, दीक्षित आर्य की दादी बोल रहे थे कि भाई मैं पूछती रहती हूँ। तो सच्ची आप पूछते हैं कब मारा है मेरे को? आई जल्दी याद है, देख लो, बोल रहे हैं कि याद करते हैं। और मैंने कई बार लाइव में भी कहा कि जब जितेंद्र भाई जुड़ते हैं ना, तो मैंने बीच में कई बार कहा कि यहाँ जब भी मैं आता हूँ, और एक दिन मेरा डिनर यहाँ पे होता है, रात की रोटी यहाँ पे होती है, और उस दिन इतना सारा बना होता है ना खाने के लिए, तो मेरे से खाया नहीं जाता। और बबरू बनते हैं जरूर यहाँ पे हमेशा, बबरू बबरू नहीं, भले भले, और क्या बोलते हैं उनको, कचौड़ियाँ पूड़ियाँ, है ना, तीन चार सब्जियाँ, तो बड़ा मज़ा आता है। चलो मेरे को तो मज़ा आता है, पता नहीं इनको मज़ा आता है कि नहीं। जितेंद्र भाई मज़ा आता कि नहीं आता? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो,
अच्छा लगता है। तो चलिए आज देखते हैं और क्या क्या गप्पे मारेंगे। दीक्षित आ रहे कहाँ गया? हेलो।